लिमिट होती है। किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो ऐसे सुना दूंगी मॉम को। जॉली, छोटी छोटी बात पर ऐसे अपसेट नहीं हुआ करते। और फिर आलेख को लेकर वसु कितने प्रेशर में है ये भी तो सोचो जरा। आपसे कुछ पूछना था। ये मॉम को क्या हो गया? आई मीन पहले तो वो ऐसी नहीं थी। हाँ डिसिप्लिन था, लेकिन अब तो वो डिक्टेटर बन चुकी है। खैर, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। ये सिस, ये डॉली भी ना, मॉम उस लड़की को अपने रूम में ले गई है और उसकी इंसल्ट कर रही होंगी। मैं जाके देखता हूँ। नहीं रणवीर, तुम वहां नहीं जाओगे, कहीं ऐसा ना हो सिचुएशन बिगड़ जाए। हम वसु को जानते हैं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि तुमने क्या कर दिया? इतने बरसों से जिस बच्चे पर हमने किसी को उंगली तक उठाने नहीं दी, वो आज दुनिया के सामने एक मजाक बनकर रह गया। तुम्हारी वजह से सोसाइटी में राजवंश परिवार की इज्जत तार तार हो गई। तुम्हारी वजह से किसी के पागल कहने पर अगर उसके दिल में ठेस पहुंचती है तो इसका मतलब वो पागल नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया ने उसे पागल करार कर दिया तुम्हारी वजह से। मैम, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उनके अच्छे के लिए किया। वो उन्हें रस्सी से बांधा हुआ था, बहुत दर्द हो रहा था, मैंने सिर्फ इसलिए उन्हें खोला था। आई एम सॉरी मैम। ओह, तो तुम हमारी बेटी का दर्द हमसे ज्यादा जानती हो? तुम्हें क्यों, सभी ऐसा समझते हैं, यहां तक कि हमारा बेटा भी यही मानता है कि हमें उसका दर्द दिखाई नहीं देता। लेकिन सच तो यह है कि हर पल उसके साथ हम उसका दर्द जीते आए हैं, और जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो हम किसी को समझा नहीं सकते। हमारा बेटा पागल नहीं है, बस कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, और उस वक्त वो अपने आप के लिए खुद एक खतरा बन जाता है। अगर हम उसे बांध के नहीं रखते तो शायद वो बच नहीं पाता। सबको सिर्फ हमारा जुल्म दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें दिखाई दे रही थी सिर्फ और सिर्फ उसकी जिंदगी। डॉक्टर ने तो कहा है कि हमारा आलिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसकी जिंदगी में सिर्फ सिर्फ कोई ऐसा अपना होना चाहिए जो उसे बहुत प्यार दे, उसमें जीने की उम्मीद पैदा करे, उसका हम सफर बन के, हम सफर। क्या तुम शादी करोगे हमारे बेटे से? दोगे उसे वो प्यार जो उसके लिए दवा है, दोगे उसे वो प्यार जो उसके लिए दवा है।
कल वो तमाशा नहीं होता जिसकी वजह तुम हो, तो हमारे बेटे को अच्छा रिश्ता जरूर आता, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। जो गलती तुमने की है, जो कुछ बिगाड़ा है, उसे सुधारने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? बोलो। हम जानते हैं कि तुम्हारे घर पे मुसीबत का पहाड़ टूटा है, लेकिन तुम्हारी एक हां उन सब के दुख दूर कर सकती है। बोलो सर, करोगी हमारे बेटे से शादी? तुम्हारी इस खामोशी को हम क्या समझे? ऐसा क्या मांग लिया हमने तुमसे? हाँ, अपने मासूम बेटे के लिए जरा सी खुशी? अगर तुम चाहो ना तो तुम उसकी खोई हुई जिंदगी को लौटा सकती हो। लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी? हमदर्दी, फर्ज, कुर्बानी, ये सारे लफ्ज कहने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उन पर अमल करने का तो सबके सब मुकर जाते हैं। खैर, कोई बात नहीं, बेटा है वो हमारा, हम उसका साथ जरूर देंगे। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी? वजह हम बताते हैं। तुम्हारा परिवार इस वक्त संकट में है, और वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास उन्हें बचाने के लिए। साधना, तुम आलेख की पत्नी बनकर इस घर में कदम रख दो। और खुशहाली तुम्हारे घर में कदम रख देगी, और हम वादा करते हैं कि तुम्हारे घर पे आई हर मुसीबत का नामो निशान तक मिटा देंगे हम। तुम आलेख की जिंदगी में थोड़ा सा अपनापन भर दो, और हम तुम्हारा दामन मोतियों से भर देंगे। तुम्हारे की जिंदगी में थोड़ा सा अपनापन भर दो, और हम तुम्हारा दामन मोतियों से भर देंगे। कुछ कहो साधना, आले की हालत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर तुम उसकी जिंदगी में आ गई ना तो वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। जवाब दो साधना। मैम, वो दरअसल मेरी चीची मुझसे बड़ी है, और उनकी शादी नहीं हुई है। मेरे मामा जी उनके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं मेरी चीची से पहले शादी नहीं कर सकती। जैसी मिडिल क्लास लड़की भी, जिसका अपना भविष्य, अपने परिवार के हालात दोनों इस घर में आकर चमक सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम भी इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए? नहीं मैम, वो मैं सच कह रही हूँ। मेरी चीची 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 कहां से लाओगे रुपए अपनी चीजी की शादी के लिए? हाँ, किस घर से विदाई करेंगे उसे तुम्हारे मामा जी? हम जानते हैं इस
वक्त तुम लोगों को रुपयों की सख्त जरूरत है। हाँ कर दो साथा, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ कर दो। मैम, मेरी वजह से अलीक जी सबके सामने आए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पर शादी वो मैं अभी नहीं कर सकती। मैम, आप उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर। शट अप। देखभाल कैसे करनी है ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। बच्चों के लिए दूसरी टीचर का इंतजाम हम कर लेंगे। जस्ट गो अवे फ्रॉम योर, गो। लेकिन वसुंधरा राजवंश जानती है कि ये तुम्हारा आखिरी जवाब नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, हम तुम्हें थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं तुम्हारे परिवार में उससे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता तुम्हें सीधा यहां लेकर आएगा। साधना जी, आपको एक बात बतानी है, शायद आपको पता नहीं है, मुझसे कोई कुछ छुपा नहीं सकता, आप भी नहीं। आप रो रही थी ना, अगर आप ना बताना चाहें तो ठीक है, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका चेहरा सब कुछ बोल रहा है। देखिए, अगर मॉम ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं उनसे बात भी करता हूँ। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। आप तो नर्वस हो गई। नहीं देखिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी। साधना जी, देखिए प्रॉब्लम अगर आप शेयर करेंगी तो शायद सॉल्व हो सके। सो कैन आई हेल्प यू? No, thanks. दीदी, दीदी। कुनी, अब कहाँ जा रही है? आज आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। वो गुनी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मुझे कुछ जरूरी काम भी है। रुक जाओ ना दीदी, आप नहीं होती तो हम बोर हो जाते। प्लीज दीदी रुक जाओ ना। देखो गुनी, दीदी की तबीयत खराब है, उनको आराम करना है। लेकिन कल दीदी आएंगी ना? ऑफ कोर्स आएंगी, क्यों दीदी? चलो गुनी,
दीदी को बाय बोलो। बाय यीशु। बाय। सुबह की सैर करके कितना अच्छा लगता है ना जी। ताजी हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब देखिए ना, दो घंटे कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। मैं तो कहती हूँ हमें रोज आना चाहिए इस बाग में। याद है आपको वो चाट पकौड़ी की दुकान जहां हम लोग अक्सर जाया करते थे? वो याद है आपको शादी के बाद आप गरम गरम जलेबियां लाते थे? याद आते ही स्वाद मुंह में घुल जाता है। बेटियां की डोली को फूलों से सजाया था, बिखर गई क्यों हर माला। हमारी हमारी रागनी बिना हो रही है। कुशल जी वो देखिए हमारी रागनी बिना हो रही है। वो देखिए मेरी रागनी वो जा रही है। होश में आइए जी, वो अपनी रागनी नहीं है। चलिए घर चलिए। तुम आलेख की जिंदगी में कदम रख दो और खुशहाली तुम्हारे घर में कदम रख देगी। तुम आलेख के जीवन में थोड़ा अपनापन भर दो और हम तुम्हारा दामन मोतियों से भर देंगे। निकल जाओ, चले जाओ यहां से। दोबारा यहां कदम मत रखना। मैं तो उनसे सिर्फ थोड़ा सा कर्ज चाहती थी, उम्मीद भी जगाई थी मैम, और अचानक ये सब। अब तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और मेरी नौकरी भी चली गई। अब क्या होगा मेरे घर परिवार का? विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।